ना हो सका इतना भी, ना हो सका इतना भी सम्मान पत्रों को फ्रेम करा पाते, मढ़ा पाते, दीवारों की शोभा बढ़ा पाते, सरस्वती पुत्र लक्ष्मी को कब प्रिय हुए हैं, सरस्वती पुत्र लक्ष्मी को कब प्रिय हुए हैं। नमस्कार दर्शकों, पायनियर हरियाणा में आप सभी का स्वागत करती हूं, मैं ओनिका महेश्वरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पायनियर की एक मुहिम चल रही है जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं अलग अलग हस्तियों से, और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ी हैं मैडम माथुरी। स्वागत मैम। शुक्रिया मैम। सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि जो कविताओं की आपकी रुचि है वो किस प्रकार शुरू हुई? ओनिका, ऐसा है कि रुचि का तो ऐसे कहूँ कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो कविता पाठ वगैरह होता है, जैसे कंपटीशन पार्टिसिपेशन वगैरह होता है, तो उसमें मेरी बहुत रुचि रहती थी। मैं काफ़ी पार्टिसिपेट करती थी एक्टिविटीज़ में, और कविता पाठ जो होता था वो मेरा मनपसंद रहता था। तो जो कवियों की, जिन कवियों की रचनाएं मैं पढ़ती थी, तो मैं ऐसे सरप्राइज रहती थी कैसे ही लिखते हैं कि अंतिम शब्द, अंतिम अक्षर सेम हो रहा है, कैसे करते ऐसे क्वेश्चन मन में आता था, क्या हम लिख सकते हैं ऐसे? तो ये जो था एक कह सकते हैं प्रेरणा स्रोत मेरी, वही रचनाएं थी जो मेरी पाठ्य पुस्तक में थी, तो दलित कर अशु राशियाँ, एक पुष्प की अभिलाषा, वो सब मुझे लगता है कि प्रेरणा बनी। और मेरी पहली रचना तब आई जब मैं क्लास 9 में थी, तो वही कविता कॉम्पिटिशन था जिसमें कि मेरा नंबर आने ही वाला था, कि सबको पता था कि फर्स्ट मैं ही आने वाली हूँ, लेकिन पता नहीं जो जजेस आए थे उन्होंने किस तरीके से एक दूसरी लड़की को दे दिया। तो वहीं एक ऐसा लगा कि जज तो समदर्शी होने चाहिए, तो मेरी पहली रचना समदर्शी करके क्लास 9th में आई थी। मैं जानना चाहूंगी कि कविता जब हम लिखते हैं तो उसका जो भाव है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कुछ, तो वो जो भाव है वो उस कविता में किस तरीके से डाला जाए, इस बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। हम कुछ भी नहीं लिखते, एक अगला शब्द भी अगर आता है तो माँ सरस्वती की कृपा से या उनकी मर्जी से ही आता है। जो भाव हमने देने हैं वो भी वही देती हैं। हाँ, बस इतना ये है होता है कि उन्होंने जो हमें दिया है उसको हम तराशते हैं। उसके लिए एक बहुत बड़े डॉक्टर बलदेव वंशी जी की एक बात मुझे हमेशा याद आती है, उनका वो एक, इस मामले में कहूँ मेरे गुरु साबित हुए, कि उनका ये कहना कि आपकी कविता तभी सफल है जब उस कविता में एक भी शब्द फालतू ना हो जिसकी जरूरत ना हो, और एक भी शब्द कम ना हो ताकि आपकी रचना शिल्पता पर कोई असर पड़े। एक भी शब्द फालतू होना आपकी रचना में, और एक भी शब्द कम होना आपकी रचना को, मुझे लगता है कि बेरंग कर देगा। जी, अगर रचनाओं की बात की जाए तो आपकी सबसे करीबी रचना के बारे में हम जानना चाहेंगे। अपने तो बच्चे, सारे ही बच्चे बहुत प्यारे होते हैं जी, सब बहुत प्यारे होते हैं। हाँ, लेकिन कुछ एक रचनाएं ऐसी हैं जिनको फिर हम उस कसौटी पर उतारते हैं, चेक करते हैं कि दूसरे लोग उसको पसंद कर रहे हैं जी। हमारे लिए तो हमारी सारी रचनाएं प्रिय हैं जी। कई रचनाएं हैं जो, एक आधा रचनाएं ऐसी भी हैं जो सुना कि लोगों की आंखों में सुन के आंसू आ गए। वैसे तो मेरी रचनाएं, मेरी कविताएं हर विषय पर होती हैं, ऐसा कभी सोच के नहीं लिखा कि ये लिखना है या इस विषय पर लिखना है, लेकिन जब मैं ध्यान देती हूँ तो मेरी रचनाएं ज़्यादातर नारी विमर्श पर होती हैं जी। कलम और कंप्यूटर भी, सुई और तलवार भी, सुई और तलवार भी तेरे दिल की अलमारी में, तेरे दिल की अलमारी में सीता भी है और गीता भी, तेरे दिल की अलमारी में सीता भी है और गीता भी, तुलसी भी, सरस्वती भी, लक्ष्मी भी, दुर्गा काली और चंडी भी, तब तू वो रूप धारण कर ले जब जिसकी जहां जरूरत हो, तब तू वो रूप धारण कर ले जब जिसकी जहां जरूरत हो। शुक्रिया। बहुत खूब। मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर हम आज का दौर देखें तो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं और अपनी फीलिंग्स दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाते। ऐसे में हम ये महसूस करते हैं कि अगर हम अपने भावों को, विचारों को लिख करके किसी के सामने प्रकट कर सके तो वो बहुत ही अच्छी बात है। मेरा ये मानना है कि जैसे ही कोई भाव आए आपके मन में, तो अगर तो उन भावों को
एक शब्द हो, एक अक्षर हो, एक वाक्य हो, आप उसको कलमबद्ध कर लीजिए, जो भाव आता है कलमबद्ध कर लीजिए। बाद में जब हम देखते हैं, हम भी कई बार ऐसे करते हैं, कहानी लिखते समय या कविता लिखते समय कोई भाव आया, हमने उसको लिख लिया, फिर बाद में उसको हम जैसे कि एक एक ईंट अलग 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 बना दी, बाद में जब वो घर बनता है तो वो ईंटें आगे पीछे ऐसे कहीं कहीं भी लग सकती हैं। ऐसे ही मुझे लगता है कि एक जो भाव आया उसको कलमबद्ध कर लीजिए, बजाय कि चिल्लाने के, आउटबर्स्ट होने के या कुछ इस तरीके का हरकत करने के, उसको कलमबद्ध कर लीजिए और बाद में देखिए कि एक रचना आपकी उतर आएगी, बनाएगी, मेरा ये मानना है। आप नए लेखकों को क्या कहना चाहेंगे, ये जानना चाहूँगा। जब तक कि आपकी वो रचना पढ़ी ना जाए, वो आपकी रचना सराही ना जाए या उन लोगों तक पहुँचे ना, लोग उसके भाव को ले ना पाए, तो यही है कि आप जब भी लिखते हैं तो उसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, और जितनी बार आप उसको पढ़ेंगे उतनी बार आपको समझ में आएगा कि किस शब्द को निकालने की ज़रूरत है जो बिना वजह उसमें है, किस शब्द को और डालने की ज़रूरत है जिसके बिना वो रचना अभी फीकी है। आपको बार बार पढ़कर अपनी रचना की कमियां समझ में आएंगी, उसके अलावा नहीं समझ में आएंगी। जी, मैं अंत में ये जानना चाहूँगी कि एज अ लेखक आप समाज को एक संदेश देना चाहें कि इस कोरोना महामारी में किस तरीके से हमें जो है एनवायरनमेंट के प्रति और ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। होने का इस बात का जवाब सच में मैं कहती हूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ कि हम लोगों ने पता नहीं क्या समझ के प्रकृति का इतना दोहन किया, सारे पेड़ काट डाले, पहाड़ सारे तोड़ डाले। पहाड़ क्या हैं, जैसे हम लोगों के शरीर में हड्डियां हैं, प्रकृति की हड्डियां हैं, हमने कहाँ छोड़ा, हमने प्रकृति को छोड़ा कहाँ, अब हमने प्रकृति के साथ जो किया प्रकृति अब हमारे साथ कर रही है। जी, शायद अगर अब भी हम लोग होश में आ जाएं तो शायद जितना डैमेज होने वाला है वो शायद संभल जाए। अब भी हम पेड़ों को ना काटें, अब भी हम पहाड़ों को ना तोड़ें, अब भी हम पानी बर्बाद ना करें, प्रकृति का हम कम से कम दोहन करें, उतना ही हम प्रकृति से लें जितना कि हमारी ज़रूरत है, उसे फालतू न लें, तो शायद बचाव हो जाए। मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन और ज़्यादा यूज़ में आता जा रहा है, तो अगर एक लेखक की दृष्टि से देखा जाए तो वो कितना सार्थक है आप सभी के लिए? बिल्कुल सार्थक है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने उनका किया कि इस चीज़ को बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं इस चीज़ को कि अब किताबें लोग पढ़ते नहीं, अब तो किताबें पढ़ी हुई हैं, पता नहीं लोग ये क्यों नहीं समझते कि किताबें सिर्फ कागज़ पर नहीं होती। जी, किताबें डिजिटाइज भी हो गई हैं, पहले किताबें पत्थर पे होती थी, बाद में जब और वो हुए आविष्कार हुए तो पत्तों पे लिखे जाने लगी, फिर ताम्र पत्तों पे लिखी जाने लगी, फिर बाद में कागजों का आविष्कार हुआ। तो अगर कोई ये कहता उस समय कि अब तो लो जी किताबें कागज़ पर लिखी जाने लगी, अब तो पत्थर के ऊपर तो लिखी हुई शिलालेख पता नहीं कितने टाइम चलते, कागज़ वाले तो ख़त्म हो जाते, तो एक क्रांति है, ये तो सतत प्रक्रिया है जो चलती रहेगी और इसको रोक नहीं सकते, हमें इसको हैपीली अपनाना ही होगा। कितना कितना तेज़ है सब कुछ। पहले हमें याद है हम रचना एक लिखते थे, फिर उसको लिफाफे में डाल के भेजते थे, फिर जाके वो स्वीकृत होती थी, अस्वीकृत होती थी, छपती थी, नहीं छपती थी, आज तो एक क्लिक पर हमारी रचना कहाँ पहुँच जाती है। जी, तो हमें तो मुझे लगता है कि हमें खुले हाथों से, खुले दिल से ही इन चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए। जी, आपके कुछ खास पल हम जानना चाहेंगे। उनका बहुत खुशी होती है मुझे ये सोच कर कि मैंने रेडियो मानवरचना 107.8 FM के लिए लगभग 250 के करीब इंटरव्यू किए, जिसमें लेजेंडरी राजेंद्र यादव, मनु भंडारी, पद्मश्री पद्मा सचदेवा, राजेंद्र नाथ रहवा जिनकी गज़लें पंकज दास ने गाई हुई हैं, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, ममता किरण, अब मुझे नाम याद भी नहीं है, और कितनी बार हम इतने लेखकों को किया, बहुत वो मेरे लिए बहुत वो दिल के करीब वो चीज़ होती है। और जब भी मौका मिलता है तो मैं जाके, जैसे आज आप मुझे इंटरव्यू करने आई हैं, मैं भी लोगों को करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है इस बात।
इस बारे में सोच के बहुत खुशी हुई। आप यूं ही लिखते रहिए क्योंकि सुंदर सभी हैं, कविता हो या छंद, और आप यूं ही लिखते रहिए, हम सभी हैं आपके साथ। देखते रहिए पायनियर हरियाणा। नमस्कार। क्या बात है। बहुत